वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल के करियर का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। उन्होंने अपनी हर फिल्म में कमाल का काम किया है और अब फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म सरदार उधम सिंह का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में विकी कौशल फ्रीडम फाइटर उधम सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे, जिन्होंने साल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। इस फिल्म में जुड़े एक नए अपडेट के मुताबिक इसमें अमोल पराशर भगत सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। दरअसल खबरों के मुताबिक इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार अभिनेता अमोल पराशर निभा सकते हैं। कई वेब सीरीज में अभिनय कर चुके अमोल को पहली बार किसी फिल्म के लिए बड़ी भूमिका मिल सकती है। निर्देशक सुजीत सरकार इस बायोपिक में एक अलग तरह के भगत सिंह को पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए सुजीत ने अभिनेता अमोल को भगत सिंह के साहित्य के बारे में कुछ पढ़ने के लिए दिया था। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जिन्हें भगत सिंह ने खुद लिखा था। इस फिल्म में भगत सिंह को एक समझदार और बुद्धिमान क्रांतिकारी के रूप में पर्दे पर दिखाया जाएगा। बता दें कि अभिनेता अमोल पराशर कई वेब सीरीज में अभिनय कर चुके हैं। वह वेब सीरीज ट्रिपलिंग में अपने किरदार से फेमस हुए थे। फिल्मों की बात करें तो वह अभी तक रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर और डॉली किट्टी और वो में दिख चुके हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।